आसू के कांके विधानसभा प्रत्याशी रामजीत गंझू ने लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की है। उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे राजनीति जीवन में प्रवेश किया और किस तरह से संघर्ष किया है। मैं रामजीत गंझू और इस कांके विधानसभा से आसू पार्टी के प्रत्याशी। क्या अपना कुछ जीवनी बताइए, कहाँ से शुरुआत हुआ? मैं अपने छात्र जीवन से ही, जिस समय 9th क्लास में पढ़ रहे थे उसी समय से राज के प्रति, से समाज के प्रति, से गांव के प्रति, जो किसान मजदूर यहां के जो शोषित पीड़ित के लड़ाई में हम जब हिस्सेदारी लिए थे उसी समय से हम इस राजनीतिक सेवा पर लगे रहे। और जब इस राजनीतिक के दौर पर चलते चलते मैं एक बार आदरणीय भूरन राम जी का 2004-05 में जो विधानसभा का चुनाव था उसमें नॉमिनेशन के लिए गए थे। नॉमिनेशन से लौटने के बाद उसी क्रम में मेरे सहयोगी लोग बोले कि दूसरा का चुनाव में अब क्यों हिस्सेदारी ले रहे हैं, क्यों भाग ले रहे हैं, आप खुद आपके अपना चुनाव लड़िए। मैं पूरे जनता ने बोला कि मैं आपके साथ हूँ करके। उसी दौर में जब मैंने फर्स्ट निर्दलीय चुनाव 2019-05 में जो चुनाव हुआ था विधानसभा चुनाव, उसमें हम अपने निर्दलीय फाइट किए थे और उसमें से सबका सहयोग, सबका प्यार मिला था। उस समय तीसरा स्थान मेरा रहा था। उसके बाद फिर दोबारा एक बार हमने चुनाव लड़ा, उस समय भी मेरा तीसरा स्थान रहा, कुछ वोट मिला। उसके बाद इसी तरह से राजनीति करते करते मैंने इस जगह पर पहुंचा हूं और इस जगह पहुंचने के बाद आज इस कांके विधानसभा से आसू पार्टी का प्रत्याशी हूं। और मैं लोगों से निवेदन और अपील करना चाहता हूं कि मैं एक गरीब घर से हूं और मेरा घर बुड़मु प्रखंड के सुदूर इलाके, जंगल इलाके में गाँव पड़ता है जिसका नाम है सीरम। और इस सीरम से निकलने के बावजूद भी आज इस पूरे कांके विधानसभा में जो स्नेह प्यार पब्लिक का मिल रहा है, जनता का मिल रहा है, बहुत खुशी की लहर है। इस पर लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो। इससे पिछले कई दशकों से बीजेपी और कांग्रेस का जो प्रत्याशी, सांसद और विधायक रहे पूरे विधानसभा में, तमाम आम जनमानस जानते हैं कि क्या इस विधानसभा में विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो सारे लोग जानते हैं। इसलिए इस बार आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी का नारा है कि इस बार गाँव की सरकार जो गाँव से तय करेंगे कि हम किस जगह पर अपना चेक डैम बनाए, किस जगह पर अपने स्कूल बनाए, किस जगह पर किसान का पानी होगा, इसी तय के हिसाब से आज जनता ने पूरा सहयोग दिया है पूरे विधानसभा पर। आज जैसा खलारी प्रखंड में हम लोग पूरे पदयात्रा करके, मोटरसाइकिल जुलूस करके लोगों का जन समर्थन का अपील करेंगे। खलारी प्रखंड में आप बहुत दिन से आते जाते रहे हैं, क्या क्या समस्या देखते हैं जिस पर आपकी नजर रहेगी? खलारी प्रखंड खास करके कोयलांचल क्षेत्र में होने के नाते भी यहाँ की समस्या कहिएगा तो अंबार है। जैसे ही खलारी प्रखंड घुसिएगा या कांके विधानसभा घुसिएगा, अंबार ही अंबार है। सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, तरह तरह की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो आज देखा जाए तो पिछले कई दशकों से बीजेपी का सरकार रहा, बीजेपी का विधायक रहा, लेकिन अब तमाम खलारी के प्रखंड जानते हैं, तमाम लोग जानते हैं कि आज तक जो स्थिति खलारी की होनी चाहिए, कोयलांचल की होनी चाहिए, वैसा कुछ स्थिति नहीं है। यहाँ से पूरा देश, पूरा राज्य जगमगाता, खलारी के जनता विस्थापित है, चाहे जो भी है आज किस स्थिति में जी रहे हैं उसके लिए कोई हलचल लेने के लिए भी, कोई सुध लेने के लिए भी यहाँ पर खलारी नहीं पहुँचते, ना सांसद हो, ना विधायक, ना कोई, आज भी कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, आज तक किसी ने इस तरह का खलारी का जनता का कोई भी ऐसा कार्य विकास का हो कुछ नहीं हो पाया। तो विकास को लेकर आप जनता को क्या कहिए? विकास के लेकर के मैं पूरे चौमुखी विकास, जो भी जनता का जनमूल समस्या है, अगर यदि मैं उस जगह पर पहुँच गया, जनता का स्नेह प्यार मिला, मिल रहा भी है अभी, तो मैं समझता हूँ कि जिस दिन उस विधानसभा भवन में घुसूंगा मैं मुख्य रूप से जो खलाई का समस्या उसके तुरंत अपने हिसाब से रखूंगा और तुरंत काम करने का काम करके मैं निभाऊंगा, दिखाऊंगा। और मैं तमाम आज यहाँ पर खलारी के लोगों से अपील कर रहा हूँ, सहयोग मांग रहा हूँ कि मेरा कर्म संख्या 3 है, मेरा चुनाव चिन्ह केला छाप है। 14 दिसंबर को सभी मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि एक मुस्त होकर के मताधिकार करें और मुझे सेवा करने का मौका दें।